आज की इस वीडियो में आप सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दीदी, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, भारतवर्ष की प्रत्येक महिलाएं बनेंगी लखपति। 4 जून 2024 को सरकार के द्वारा महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। इस 1,00,000 रुपये से सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बनाएगी। तो यह 1,00,000 रुपया महिलाओं को कब और कैसे मिलेगा? प्रति माह कितना रुपया सरकार महिलाओं के पर्सनल बैंक खाते में भेजेगी? इस योजना का लाभ किन किन महिलाओं को मिलेगा? इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना होगा? आवेदन करने हैं तो योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी? संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं भारतवर्ष की प्रत्येक महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया कैसे मिलेगा। तो देखिए दीदी, अब भारत सरकार महिलाओं को लखपति बनाएगी। तो यह 1,00,000 रुपया किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाएगा, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, 4 जून 2024 को महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत भारतवर्ष की प्रत्येक महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये की धनराशि महिलाओं के पर्सनल खाते में भेजी जाएगी। तो दीदी, महालक्ष्मी योजना जो है महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना है। इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बनेंगी। तो अब जान लीजिए इस योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की जाएगी। तो देखिए, महालक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन सरकार के द्वारा की जाएगी। जब 4 जून 2024 को लोकसभा की सत्ता में कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी और इस महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं का सर्वे करवाया जाएगा और उन महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। तो यह पैसा आपको प्रति माह किस्त के रूप में मिलेगा कि सालाना एक ही बार 1,00,000 रुपया आपको दिया जाएगा, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, यह पैसा जो है महिलाओं को कई किस्तों में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यानी प्रति माह 8,500 रुपया महिलाओं के पर्सनल खाते में भेजे जाएंगे, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब जान लीजिए इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसके बारे में जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक घर में 4 से 5 महिलाएं हैं, क्या सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर केवल एक महिला को मिलेगा, कैसे क्या है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो योग्यता की बात करें तो देखिए, इसमें महिलाओं की पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी जाएगी। इसमें पढ़ी लिखी अनपढ़ दोनों महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो उम्र इसमें जो है कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। पात्रता की बात करें यानी इस योजना का लाभ कौन कौन महिलाएं ले सकती हैं, यानी एक घर में 4 से 5 महिलाएं हैं, तो क्या उन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, सभी महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, इस योजना का लाभ एक घर से केवल एक ही महिला मुखिया को दिया जाएगा। यानी आपके घर में 4 से 5 महिलाएं हैं तो सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, एक परिवार से एक महिला मुखिया को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जिसके नाम से राशन कार्ड बना है और वह महिला अपने घर की मुखिया है, तो ऐसी महिलाओं के पर्सनल खाते में महीने के 8,500 रुपए यानी साल के 1,00,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो जब इतना सारा रुपया महिलाओं को दिया जाएगा तो इससे भारतवर्ष की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त अवश्य बनेंगी। तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी जान लीजिए। इस योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को चयनित किया जाएगा, तो देखिए, इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवार की ही महिलाओं को दिया जाएगा। जो महिलाएं गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हैं, तो उन महिलाओं को महालक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया दिया जाएगा, यानी महीने के 8,500 रुपया। ठीक, अब बात कर लेते हैं महालक्ष्मी योजना
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो देखिए, आवेदनकर्ता का जो है आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और राशन कार्ड भी लगेगा। और उस राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ा होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तभी इस योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि आपको भेजी जाएगी तभी आपके पर्सनल बैंक खाते में आ पाएगी। यदि आप लोग इतना सारा डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो अभी से बनवा करके रख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करवा लीजिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, जब 4 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तब उनके द्वारा जो है इसकी आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी और उस आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया से संबंधित सारे नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, वहीं से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या है। ठीक, तभी इस योजना का आवेदन लिया जाएगा और इस योजना का आवेदन जो है वैसे ऑनलाइन तरीके से ही लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं महालक्ष्मी योजना की शुरुआत किन किन राज्यों में की जाएगी, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, यदि 4 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो यह योजना भारत वर्ष के प्रत्येक राज्यों में लागू की जाएगी और भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन सरकार के द्वारा की जाएगी और इसकी घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी एवं श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के द्वारा घोषणा करके महिलाओं को जानकारी दी गई है। उनके घोषणा पत्र में जो है यह जानकारी साझा की गई है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो 1,00,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, यह 1,00,000 रुपया महिलाओं को अनुदान के रूप में सरकार देगी। श्री राहुल गांधी जी का कहना है कि इस पैसे से महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, उनके पढ़ाई लिखाई आदि से संबंधित खर्चे उठा सकेंगी। तो दीदी, महालक्ष्मी योजना जो है महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी। 4 जून 2024 को जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं को 1,00,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इस योजना से महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त अवश्य बनेंगी। तो दीदी, आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस महालक्ष्मी योजना से संबंधित यदि आप सभी के कोई कमेंट हो, आप सभी के कोई विचार हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अपने अपने विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।